तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त अभिषेक डिंगरा फ्रॉम डिंगरा फिटनेस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट के बारे में जिसका नाम है क्रिएटिन। और दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा आपको इसको किस वक्त लेना है और क्यों लेना है और कैसे लेना है। तो चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर खुद प्रोड्यूस होता है। यह हमारी बॉडी में तीन जगह प्रोड्यूस होता है, लीवर, पैनक्रियास और किडनी। ये हमारी बॉडी खुद बनाती है वहां पे, तो हम इसको एक नेचुरल सब्सटेंस ही बोलेंगे। इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि हम इसको अलग से एक दूसरा सब्सटेंस अपनी बॉडी में ऐड कर रहे हैं। तो ये नेचुरल है। हम क्रिएटिन जैसे हम प्रोटीन लेते हैं वैसे ही हम क्रिएटिन भी लेते हैं, ठीक है। तो और ये दोस्तों मोस्ट स्टडीड सप्लीमेंट है, इसके वर्ल्ड का मोस्ट स्टडीड, इसके ऊपर 300 से ज्यादा स्टडीज हो चुकी हैं। तो ये मोस्ट नेचुरल सप्लीमेंट भी कहा जाता है इसको। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्रिएटिन के फंक्शन के बारे में। क्रिएटिन हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस करता है, ठीक है। जैसे क्रिएटिन हमारी बॉडी में एटीपी लेवल को इंक्रीज करता है। अब एटीपी क्या है, सिंपल भाषा में बताऊंगा मैं आपको। एटीपी एक स्ट्रेंथ का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। एटीपी जितना हमारी बॉडी में इंक्रीज होगा उतनी हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, मतलब एनर्जी इंक्रीज होगी। तो सिंपल सी बात है, जितना आप क्रिएटिन अपनी बॉडी के अंदर ऐड करोगे उतना वो एटीपी इंक्रीज करेगा, और जितना एटीपी इंक्रीज होगा आपकी बॉडी में उतना ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनकी बॉडी में ज़्यादा क्रिएटिन पाया जाता है, क्योंकि जो फिश, मीट और चिकन जैसे फूड्स हैं इनके अंदर ज़्यादा क्रिएटिन होता है एज कंपेरिजन टू नॉनवेज सोर्सेज, जितने भी सॉरी एज कंपेरिजन टू वेज सोर्सेज, ठीक है। तो जो वेज सोर्सेज होते हैं उसके अंदर क्रिएटिन कम होता है, और जो नॉन वेज सोर्सेज होते हैं उनके अंदर क्रिएटिन ज्यादा होता है। तो जितना आपकी बॉडी के अंदर क्रिएटिन बढ़ेगा उतना आपका एटीपी बढ़ेगा और उतनी आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो दोस्तों, क्रिएटिन लेने का आपको बेनिफिट और क्या है, एक तो मैंने आपको बता दिया है आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, दूसरा बेनिफिट ये है कि इंक्रीज इन लीन मसल मास, ये आपके मसल के अंदर वाटर को होल्ड करता है, और फिर जब वाटर को होल्ड कर लेता है तो आपका मसल साइज इंक्रीज हो जाता है पहले से। तो दोस्तों, और ये आपकी स्ट्रेंथ भी, अगर आप इसको रेगुलर लेते रहते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी इंक्रीज कर देता है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आप 160 की डेडलिफ्ट कर रहे हैं और उस पर आप 4 to 5 रैप परफॉर्म कर रहे हैं, पर आप अगर इसको रेगुलरली लेते रहते हैं तो वो 9 to 10 हो जाएंगे, मतलब डबल के आसपास पहुंच जाओगे आप। और आपका 160 अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप और हैवी पे भी जा सकते हैं अगर आप इसको रेगुलरली कंटिन्यू करते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया क्रिएटिन के बेनिफिट्स क्या है और आपको इसको क्यों लेना चाहिए, तो अब बात करेंगे हम विच इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन, कौन सी फॉर्म क्रिएटिन की सबसे अच्छी है। क्रिएटिन की काफ़ी सारी फॉर्म्स आती हैं मार्केट में, मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन हो गया, HCL क्रिएटिन हो गया, क्रिएटिन नाइट्रेट हो गया, एक्सेट्रा, काफ़ी सारी आती है। पर जो बेस्ट फॉर्म क्रिएटिन की है वो है मोनोहाइड्रेट, क्योंकि आपकी बॉडी में 99% अब्सॉर्ब हो जाती है, और ये आपकी पॉकेट अफोर्डेबल भी है। आपको 100 ग्राम ऑफ क्रिएटिन 600 to 700 के अराउंड मिल जाएगा, तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो आपके पॉकेट अफोर्डेबल है, तो आपको आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हाउ टू टेक क्रिएटिन, क्रिएटिन कैसे लिया जाता है या हमें कैसे लेना चाहिए। तो क्रिएटिन लेने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लोडिंग, एक होता है नॉन लोडिंग। लोडिंग में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोडिंग को समझते हैं। लोडिंग में हमें करना क्या होता है, 20 ग्राम ऑफ क्रिएटिन हमारे को रेगुलरली लेना होता है, और उसके बाद आफ्टर 6 डेज हमें उसको 3 to 5 ग्राम per day का करना होता है। तो रेगुलरली हमारे को ये साइकिल चलाना है। और सिंपल सा है, नॉन लोडिंग में क्या है, नॉन लोडिंग में हमें सिर्फ 3 to 5 ग्राम ऑफ क्रिएटिन पर डे रेगुलरली लेना होता है। वैसे तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं, पर मैं अपने पर्सनल सजेशन से कहूँगा नॉन लोडिंग का तरीका मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं वही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। दोनों के सेम बेनिफिट है, कोई मेरे को फ़र्क नहीं लगता, पर मेरे हिसाब से नॉन लोडिंग ज़्यादा अच्छा है। भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लोडिंग करनी है नॉन लोडिंग करनी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा विच टाइम इज द बेस्ट टाइम टू टेक क्रिएटिन। अगर आप लोडिंग कर रहे हैं तो आप उसको दिन में 3 to 5 बार डिवाइड करके ले सकते हैं, क्योंकि 20 ग्राम ऑफ क्रिएटिन आप एक बारी में कंज्यूम नहीं कर सकते। तो आप उसको पानी में डाल के नॉर्मली, या आपको ज़्यादा है तो आप उसको ग्लूकोज के अंदर भी पी सकते हैं। और अगर आप नॉन लोडिंग में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पोस्ट वर्कआउट आप उसको लें। पोस्ट वर्कआउट में आप उसको नॉर्मली पानी के साथ ले सकते हैं, या अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स चाहिए तो आप उसको अपने प्रोटीन शेक के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए क्रिएटिन के बारे में, पर अगर आपका और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं, या क्रिएटिन के अलावा और किसी सप्लीमेंट के बारे में या किसी एक्सरसाइज के बारे में आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे DM कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको रेगुलरली आंसर दे दूंगा।
और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो बेल आइकन जरूर दबा देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू।